नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट है टैक्स एक्सपेंडिटर का या रेवेन्यू फॉरगॉन भी इसको कहते हैं। तो कर व्यय क्या होता है, टैक्स एक्सपेंडिटर क्या है, इसको बहुत अच्छे से सुनिए। आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएससी मेंस में टैक्स एक्सपेंडिटर पे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अगर आप टैक्स एक्सपेंडिटर या रेवेन्यू फॉरगॉन को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इकोनॉमिक्स के वीडियो मिलता रहे टाइम पे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं क्या होता है टैक्स एक्सपेंडिटर, क्या होता है कर व्यय। दोस्तों, टैक्स की बेसिकली दो तरह की रेट होती है, एक जो हम पार्लियामेंट में सैंक्शन करते हैं फाइनेंस बिल के द्वारा कि टैक्स की रेट क्या होगी, हम ये डिसाइड करेंगे। जीएसटी की रेट क्या होगी, हम ये बताते हैं कि इनकम टैक्स का रेट क्या होगा, हम ये बताते हैं कस्टम ड्यूटी किस रेट से लगाई जाएगी। इसका मतलब एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत हम फाइनेंस बिल के द्वारा टैक्स के रेट को डिक्लेयर करते हैं। इस रेट को हम टैक्स की पोटेंशियल रेट कहते हैं, संभाव्य दर कहते हैं, इसको हम कर की संभाव्य दर कहते हैं। और इसी दर के आधार पे गवर्नमेंट ये एस्टिमेट करती है कि हमको इनकम टैक्स से क्या प्राप्त होगा, हमको कॉर्पोरेट टैक्स से क्या मिलने वाला है, हमको कस्टम ड्यूटी से कितनी टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होगी। तो दोस्तों, मैंने बताया कि टैक्स जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत हम रेट लगाते हैं उसको हम कहते हैं टैक्स की पोटेंशियल रेट। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट के जो खाते में, गवर्नमेंट के जो तिजोरी में, कंसोलिडेटेड फंड में जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो उस रेट से नहीं होता है जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल के तहत इंप्लीमेंट की है। एक्चुअली जो गवर्नमेंट जिस रेट से टैक्स कलेक्ट करती है वो एक एक्चुअल रेट होता है, एक वास्तविक दर होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमेशा दो तरह के कर के दरों में अंतर है, एक टैक्स की पोटेंशियल रेट जो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की लगाई, लेकिन जो कर की वसूली हुई गवर्नमेंट के तिजोरी में, खजाने में जो कर आया वो बेसिकली एक दूसरे रेट से आया जो कि एक्चुअल में इंप्लीमेंटेड रेट है, वो है एक्चुअल रेट। एक्चुअली में ये दो कर के दरों में अंतर का कारण क्या है, क्यों पोटेंशियल टैक्स रेट और एक्चुअल टैक्स रेट में अंतर आता है? इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट कई तरह का डिडक्शन देती है, गवर्नमेंट कई तरह के रिबेट देती है, गवर्नमेंट कई तरह के कंसेशन देती है, गवर्नमेंट कई तरह के क्रेडिट फैसिलिटी देती है टैक्स पेयर्स को। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करती है टैक्स पेयर को। जैसे अगर आप इनकम टैक्स के बारे में आप जानते हो तो आप 80C में देखते हैं कि कई तरह के परमिसिव डिडक्शंस हैं। आप जो है अगर LIC में आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको छूट मिल जाएगा, अगर आपने घर खरीदा है और हाउस लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट और उसके प्रिंसिपल के ऊपर गवर्नमेंट जो है छूट देती है। इसी तरह आप PPF में डिपॉजिट किया है तब आपको छूट, कई तरह की छूट आपको मिला। इसी तरह जब आप कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कई तरह के कॉर्पोरेशन में छूट देती है। अगर आप एक बाहर एरिया में जाके, एक रिमोट एरिया में जाके अगर आप इंडस्ट्री डेवलप करेंगे तो गवर्नमेंट छूट देगी। इसी तरह आप देखते होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाए जाते हैं, सेज बनाए जाते हैं, उसमें गवर्नमेंट कई तरह के टैक्स में छूट देती है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है एक्चुअली में वो तो पोटेंशियल रेट हो गया कि इस रेट से लगाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो टैक्स पेयर ने पे किया है वो एक दूसरे रेट से या फिर कहिए कम रेट से पे किया है, क्योंकि उन्होंने कई तरह के एग्जेम्पशंस ली है, कई तरह के रिबेट ली है, कई तरह के कंसेशन लिए और कई तरह के क्रेडिट ली है। तो इसलिए क्या होता है, इन दो दरों में अंतर हो जाता है। और नॉर्मली आप देखते हैं कि पोटेंशियल रेट हाई होता है और एक्चुअल रेट कम, इसके वजह से कि गवर्नमेंट जो अनुमान लगाई होती है कि मुझे इतना टैक्स रेवेन्यू मिलेगा उससे काफी कम टैक्स रेवेन्यू मिलता। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दोस्तों उसी को हम टैक्स एक्सपेंडिटर कहते हैं या फिर रेवेन्यू फॉरगॉन कहते हैं। इसका मतलब अगर आपको निकालना हो कि टैक्स एक्सपेंडिटर क्या हुआ, टैक्स एक्सपेंडिटर का मतलब कर व्यय क्या हुआ, तो आपको अंतर करना पड़ेगा दो चीजों में। एक तो अंत आपका हुआ कि पोटेंशियल रेवेन्यू क्या है, गवर्नमेंट की पोटेंशियल टैक्स रेवेन्यू क्या है, और इस पोटेंशियल टैक्स रेवेन्यू में से आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा एक्चुअल टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को वास्तव में मिला। मैं क्या कह रहा हूं इसको जरा अच्छे समझिए। जब गवर्नमेंट पोटेंशियल रेट से टैक्स लगाई तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से हमको जो है
मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने सोचा 1100 करोड़ रुपए मुझे मिलेंगे, 1100 करोड़ रुपए, लेकिन गवर्नमेंट को अगर सिर्फ 800 करोड़ रुपए ही मिले एक्चुअल में, 800 करोड़ रुपए ही मिले एक्चुअल में, तो ये जो 300 करोड़ का अंतर आ गया, 300 करोड़ का, वो हो गया आपका टैक्स एक्सपेंडिटर। कई बार ये आप लोगों के दिमाग में टैक्स एक्सपेंडिटर का मतलब ये आता है कि गवर्नमेंट जो टैक्स को कलेक्ट करने में जो खर्च करती है वो टैक्स एक्सपेंडिटर। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ पे बिल्कुल मत जाइएगा। टैक्स एक्सपेंडिटर का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट को जो पोटेंशियल टैक्स रेवेन्यू मिलता जिस रेट से पार्लियामेंट में उसने टैक्स लगाया है, एक्चुअल में हुआ क्या, जो एक्चुअल टैक्स कलेक्शन हुआ है वो एक्चुअल टैक्स कलेक्शन इससे काफी कम हुआ। 1100 करोड़ रुपए एक एग्जांपल के रूप में हमने माना कि पोटेंशियल टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में मिला 800 करोड़, तो 300 करोड़ गवर्नमेंट का रेवेन्यू फॉरगॉन हुआ, टैक्स फॉरगॉन हुआ। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट ये डिफरेंट टाइप के डिडक्शन, डिफरेंट टाइप के रिबेट, डिफरेंट टाइप के कंसेशन, डिफरेंट टाइप के क्रेडिट्स अगर नहीं देती टैक्स पेयर को, तो गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू मिलता, और अगर ये रेवेन्यू मिलता तो नो डाउट गवर्नमेंट इसको खर्च करती। तो कुल मिला जुला के अगर टेक्निकली आप देखिएगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट कंसेशंस, रिबेट, डिफरेंट टाइप के क्रेडिट, कंसेशंस टैक्स पेयर को देती है, डिडक्शंस जो देती है, उसका एक अपॉर्चुनिटी कास्ट है टैक्स एक्सपेंडिटर। इसका मतलब हम अवसर लागत के रूप में देख सकते हैं कि अगर आप उन कंसेशंस को नहीं देते तो गवर्नमेंट के खाते में 300 करोड़ आते और ये गवर्नमेंट एक्चुअली खर्च करती। देखिए ऐसा है कि टैक्स एक्सपेंडिटर का जो ये कॉन्सेप्ट है ये सडनली इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया गया है या नहीं आया है। आप देखेंगे कि सबसे पहला 1973 में स्टेनलेस सरे ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। सबसे पहले 1973 में स्टेनलेस सरे ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। उनका एक पेपर था पाथवे ऑफ टैक्स रिफॉर्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स एक्सपेंडिटर। इनका एक फेमस जो है आर्टिकल है पाथवे ऑफ टैक्स रिफॉर्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स एक्सपेंडिटर। स्टेनलेस सरे ने यहां कंपेरिजन किया था कि एक्चुअली जो ये टैक्स एक्सपेंडिटर है, जो गवर्नमेंट को एक्चुअली मिलता अगर वो डिफरेंट टाइप के डिडक्शन, रिबेट, कंसेशंस, क्रेडिट को नहीं देती, तो गवर्नमेंट एक्चुअली ये डायरेक्ट एक्सपेंडिटर प्रोग्राम का हिस्सा होता। इसका मतलब देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंडिटर एंड टैक्स एक्सपेंडिटर। एक्चुअली अगर गवर्नमेंट वो कंसेशन नहीं देती तो वो खर्च करती, तो इसका मतलब जो डायरेक्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिटर करती इकोनॉमी में वेलफेयर जनरेट करने के लिए, उसमें और टैक्स एक्सपेंडिटर में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि ये टैक्स एक्सपेंडिटर कहीं ना कहीं इस इकोनॉमी में इनडायरेक्ट सब्सिडी के फॉर्म में ही जा रहा है। इसका मतलब इसमें और उसमें कोई आप बहुत अंतर नहीं कर सकते हैं। उसी समय से यह बात शुरू हो गई कि जो डिफरेंट टाइप के रिबेट, कंसेशन टैक्स में मिलते हैं उसका इकोनॉमी में वैसे ही इंपैक्ट पड़ता है जिस तरीके से डायरेक्ट सब्सिडी का पड़ता है या गवर्नमेंट के डायरेक्ट एक्सपेंडिटर का पड़ता है। मैंने आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी में भी अब इसे कई बार इसको आप देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में आया भी हुआ है। 2006-07 में पहली बार भारत में टैक्स एक्सपेंडिटर की बात की गई और 2006-07 के बजट में आप देखेंगे कि एनएक्स 12 में रिसीट्स बजट में 2006-07 के रिसीट्स बजट में चर्चा किया गया था टैक्स एक्सपेंडिटर का। और 2006-07 के बाद कंटिन्यूएशन में अब तक अगर आप देखिएगा तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बजट प्रपोजल के साथ साथ ही स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन लेके आती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन लेके आती है। स्टेट ऑफ रेवेन्यू, जो स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन है वो एक्चुअली यही डिनोट करता है कि प्रत्येक कर का डिफरेंट टाइप के डिडक्शंस देने से किस तरह का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। इसका मतलब जब हम अध्ययन करते हैं कि इनकम टैक्स का रेवेन्यू फॉरगॉन क्या है, डिफरेंट टाइप के डिडक्शन की वजह से, कंसेशन की वजह से, रिबेट की वजह से इनकम टैक्स को कितना लॉस हो रहा है गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, तो इसका जब हम इंपैक्ट एनालिसिस करेंगे कि कितना रेवेन्यू लॉस हुआ, तो हम मान के चलते हैं कि अन्य टैक्स का जो इंपैक्ट है कुछ नहीं है। मतलब हम इंडिविजुअली जो स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन होता है वो प्रत्येक टैक्स का अलग अलग एस्टिमेट करता है कि कितना रेवेन्यू फॉरगॉन हुआ है, कितना गवर्नमेंट को लॉस हुआ है। तो प्रत्येक टैक्स का अलग अलग सेपरेट हम एनालिसिस आपको मिल सकता है स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन में। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन में यह भी दिखाया जाएगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू फॉरगॉन हुआ है कंपैरिजन टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो पिछला वित्तीय वर्ष है उस वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में कितना रेवेन्यू फॉरगॉन हुआ है, कितना गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हुआ है। अगर एक्चुअली ये रेवेन्यू लॉस नहीं होता तो गवर्नमेंट
इस रेवेन्यू को खर्च करती इकोनॉमी के ऊपर और ये डायरेक्ट एक्सपेंडिटर प्रोग्राम का एक पार्ट होता, बट कहीं ना कहीं रेवेन्यू फॉरगॉन की वजह से इकोनॉमी में वो पैसा गवर्नमेंट ने डाला हुआ है। अभी आप देखेंगे कि 2010 में जो ओईसीडी नेशन है उन्होंने भी टैक्स एक्सपेंडिटर के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया। ओईसीडी देशों ने यह बताया कि ओईसीडी नेशंस में टैक्स एक्सपेंडिटर बहुत बड़ी बात बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे जो परमिसिव डिडक्शंस है रिबेट है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से उनको टैक्स एक्सपेंडिटर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने डेटा दिया था कि 2010 में कि उनके जो 10 इंपॉर्टेंट जो ओईसीडी नेशन है उनका जो टैक्स एक्सपेंडिटर वो जीडीपी का 10% है। अब जरा सोचिए, जीडीपी का 10% टैक्स एक्सपेंडिटर, इसका मतलब बहुत बड़ा मद हो गया। इसका मतलब वहां पे जो टैक्स की जो पोटेंशियल रेट है उसके कंपेरिजन में अगर एक्चुअल टैक्स रेट की बात करिएगा तो बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इंसेंटिव दे रखा है अपने टैक्स पेयर को। ओईसीडी नेशंस ने जो टैक्स एक्सपेंडिटर का परिभाषा अडॉप्ट किया वो काफी सराहनीय रहा। ओईसीडी का मानना है कि टैक्स एक्सपेंडिटर एज अ ट्रांसफर ऑफ पब्लिक रिसोर्स दैट इज अचीव्ड बाय, उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो टैक्स एक्सपेंडिटर है वो एक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक रिसोर्स है, मतलब सरकार ने उस रिसोर्स को पब्लिक को ही ट्रांसफर किया है। यद्यपि ये ट्रांसफर सब्सिडी के फॉर्म में नहीं हुआ है और ना ही ये ट्रांसफर जो हुआ है डायरेक्ट जो है खर्चे के माध्यम से, डायरेक्ट एक्सपेंडिटर के माध्यम से। तो किस तरीके से ये जो है जो हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पब्लिक रिसोर्स वो अचीव कैसे किया गया, ये अचीव दो तरह से किया गया। पहला अचीवमेंट का तरीका है ओईसीडी नेशन जो बताया है कि हमने जो बेंचमार्क टैक्स रेट है उससे कम रेट से टैक्स लगाए तो जो टैक्स में हमको लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट एक्सपेंडिटर प्लान का पार्ट ही माना जाए, क्योंकि ये जो पहले तरह से मिला हमको कैसे मिला, जो टैक्स की जो बेंचमार्क रेट है उससे कम रेट से हम लोगों ने टैक्स लगाया। और दूसरा, एक हमारे पास जो डिप्रिव्ड सोसाइटी है, एक जो टारगेटेड तबका है उनके लिए हमने टैक्स में कई तरह की रियायती दी, कई तरह के छूट दी, ताकि उनका जो लाइवलीहुड बेहतर बना रहे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन हो रहे। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह ट्रांसफर ऑफ पब्लिक रिसोर्स है अकॉर्डिंग टू ओईसीडी नेशन, कि यह पब्लिक में हम लोगों ने अपने रिसोर्स को ट्रांसफर किया है, लेकिन ट्रांसफर का तरीका जो रहा है वो पहला चीज ये रहा है कि जो हमारा बेंचमार्क टैक्स रेट है उससे भी कम लेवल पे जाके हम लोगों ने टैक्स लगाया है, जिससे टैक्स में रिडक्शन हुआ है और टैक्स रिडक्शन की वजह से टैक्स एक्सपेंडिटर हुआ। और दूसरा, जो हमारा एक डिप्रिव्ड सोसाइटी है, एक टारगेटेड तबका है, ग्रुप है, उसमें हमने डिफरेंट टाइप के कंसेशंस दिया है जिसकी वजह से ये पब्लिक ट्रांसफर हुआ। तो दोस्तों, टैक्स एक्सपेंडिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि टैक्स एक्सपेंडिटर का जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबली एक्सेप्टेड है और सर्वप्रथम स्टेनले सरे ने 1973 में पाथवे ऑफ टैक्स रिफॉर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स एक्सपेंडिटर में इसकी चर्चा की है। अब दुनिया के अधिकांश देशों ने इसे एक्सेप्ट किया है। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो हमेशा इस पे बात होती है और भारत ने केलकर कमिटी ने इस पे संस्तुति भी किया था कि अगर आपको फिस्कल कंसोलिडेशन करना है, फिस्कल रिफॉर्म करना है और आप चाहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट को कम करें, तो केलकर कमेटी का मानना था कि इस तरह के खर्चे को कम करने के लिए डिफरेंट टाइप की जो रिबेट है उसको हटाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट रेवेन्यू आए और गवर्नमेंट खर्च कर सके। तो दोस्तों, ये रहा हमारा टैक्स एक्सपेंडिटर पे एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नोट्स बनाइए और बहुत ही ध्यान से बहुत ही मेहनत से अपने पढ़ाई को आगे रखिए। समय लगेगा लेकिन अगर आप टाइम का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टाइम आपको बड़ा बनाएगा, टाइम आपको महान बनाएगा। तो डोंट मिस द टाइम, टाइम को बे मत करिए, उसको मिस मत करिए, उसको ऐसे ही जाया मत जाने दीजिए, टाइम को यूज करिए, टाइम आपको बहुत 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 आगे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका, गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।